कल गाजीपुर जनपद में एक बहुत दुखद घटना में हम अपने एक साथी हेड कांस्टेबल सुरेश प्रताप सिंह वक्त से खोए हैं। उन्होंने एक ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार का है जो विवेचना में अभी तक निकल के आया है। कल पूर्वान में चार जगहों पर निषाद पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा जाम का ऐलान किया गया था। पुलिस वहां पर मौके पर तत्परता से पहुंच करके जाम खुलवाया और इसी मध्य दो थाना क्षेत्रों में 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। बाद में लगभग 4 बजे थाना नौनारा क्षेत्र के 8वां मोड़ के पास 100-150 लोग एकत्रित हुए। वहां पर अपने साथियों को छुड़ाने के मांग को लेकर के फिर से जाम लगाए। पुलिस वहां पहुंच करके जाम खुलवाने का प्रयास कर रहा था, उसी मध्य पथराव शुरू हो गया और पथराव के दौरान हमारे साथी के सर पर चोट आए, चोट के कारण उनकी मृत्यु हुई है। इसके तुरंत बाद सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंच गए हैं और विभिन्न स्रोतों से एविडेंस कलेक्शन किया गया, FIR पंजीकृत किया गया। उसमें विभिन्न धाराएं हैं इंक्लूडिंग 302 IPC, 32 नामजद मुलजिम और 70-80 अज्ञात मुलजिमों को विरुद्ध FIR लिखा गया है। अभी तक उनमें से साक्ष्य के आधार पर 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। विवेचना को शीघ्र संपन्न किया जा रहा है और एक एडिशनल SP स्तर के अधिकारी के निकटतम पर्यवेक्षण में ये कार्य किया जा रहा है। हमारे आशय ये है कि जो भी इसमें मुलजिम होंगे इसके विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र कठोरतम कार्रवाई किया जाएगा और इनके जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको NSA करने हेतु भी प्रस्ताव DM साहब को दिया जाएगा। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि प्रबल साक्ष्य के आधार पर ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और ये जघन्य अपराध है और अपराध कारित करने में कोई भी रहेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी के खिलाफ साक्ष्य नहीं है और वो निर्दोष है उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। PM का कार्यक्रम था उसको लेके कोई थ्रेट था जिसकी वजह से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जाम अपने मांगों को लेकर कर रहे थे, रिजर्वेशन की मांग को लेकर के उन्होंने आयोजित किया है और उसी दौरान उनको काफी लोग हट भी गए थे। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस कलेक्शन के आधार पर काफी कुछ बैकग्राउंड में कार्य किया गया था। तो जो कार्य बैकग्राउंड में किया जाता है कुछ जो भी एहतियात बरतना चाहिए थे सब बरती गई हैं। मैं CMO साहब से मैंने बात किया तो वो उनके कहना है कि जो एंटीमार्टम हेड इंजरी के कारण से पत्थर लगी है तो इसमें हेड के सामने के हिस्से में उस कारण से डेथ हुआ है। सर, बॉडी पर सर और भी चोट के निशान है? नहीं है, कुछ नहीं। हमने देखा मतलब कल निरीक्षण के टाइम में देखे कोई भी चोट और कहीं नहीं है। कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? जो अभी मैं पुनः बताता हूं कि जो अलग अलग FIR हैं तो जो डेथ के संबंधित जो FIR है, जो मर्डर का केस है, जो थाना नौनहरा में है, अभी तक 11 गिरफ्तारियां हुई हैं और गिरफ्तारियां होंगी अतिशीघ्र। और बाकी जो हैं जो 9 लोग हैं जो सुबह की घटना है, जो जाम
लगाने वाले और जो कहने पर भी नहीं हटाने के आरोप में उनको इनके खिलाफ लगाया गया। तो टोटल क्या सर 20 फिगर है? फिगर क्या 20 है? आप कह रहे हैं हाँ, और प्लस 11 प्लस नहीं सर, अलग अलग थानों में अलग अलग घटनाक्रम हुए हैं। 1:40 को पीएम चले जाते हैं, 5:30 बजे के आसपास घटना होती है, 2 बजे सुरवन से सूचना आती है, इन लोगों को गिरफ्तार करंडा थाने में किया जाता है, ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं फतेहपुर रटवा चौकी में। तो क्या इन डिफरेंट थानों में जहाँ जहाँ हुआ होगा बवाल वहाँ पे भी FIR हुई है सर? एक सप्लीमेंट्री यही तो मेरा कहना है, अलग अलग जो सुबह की घटना की सुबह कुछ अलग FIR हुई है और शाम की घटना के लिए एक मर्डर केस रजिस्टर हुआ है। सर डिपार्टमेंट को क्या ऐसे भी फील दे दें, जनता में डर का माहौल है सर जब खाकी सुरक्षित नहीं है तो? नहीं, बिल्कुल कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और कल भी देखेंगे कि कल देखिए हमारे तत्परता क्या है, उसमें जनता को कोई असुविधा ना हो, जल्दी से जल्दी जाम खुल जाए, इसके लिए जो कानूनी प्रक्रिया अपनाना है सब अपनाया गया है और इसमें जो भी कार्य करने के लिए हम सक्षम हैं और तत्पर रहेंगे ड्यूटी पर, और इसके लिए हम कोई भी किसी भी लेंथ तक जा सकते हैं।